के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है CISF में, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर HCM और आपके ASI स्टेनो के लिए जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसकी फ्रेंड्स जो रिक्रूटमेंट डिटेल्स है या नोटिफिकेशन है, जल्दी ही आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। अभी फ्रेंड्स जो ये नोटिफिकेशन है, ये फ्रेंड्स जारी किया गया है DAVP की वेबसाइट पर। DAVP की वेबसाइट को अगर आप चलान जानते हैं तो आप वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते। इसमें फ्रेंड्स ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो पे लेवल है वो आपका 5 का रहेगा, मतलब 38,200 से 92,300 रुपए सैलरी आपकी यहां पर रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो लेवल 4 का सैलरी रहेगा 32,500 से 81,100 रुपए। अब यहां पर फ्रेंड्स जो वैकेंसी है ये टेंपरेरी पोस्ट है, पर बाद में इनको परमानेंट यहां पर किया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपसे कहा गया है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसमें देखिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब PSC डॉक्यूमेंटेशन, इसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन जो कि OMR या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो सकता है, स्किल टेस्ट आपका यहां पर होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका यहां पर होगा। CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फ्रेंड्स आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है। बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए पे लेवल 5 रहेगा, 29,200 से 92,300 रुपए प्लस में आपका जो अलाउंस है वो आपको मिल जाता है। और HCM के लिए आपका यहाँ पर जो है आपको पे स्केल 25,500 से 81,100 रुपए देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो वैकेंसीज है मेल कैंडिडेट के लिए वो आपके फ्रेंड्स 94 रहेंगी स्टेनोग्राफर ASI में, फीमेल के लिए फ्रेंड्स 10 वैकेंसी है ASI स्टेनोग्राफर में, और जो डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है उसमें 18 वैकेंसीज आपकी रहेंगी। टोटल जो फ्रेंड्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की वैकेंसी है ये आपकी 122 पोस्ट रहती है। बात करें अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तो मेल के लिए 319 पोस्ट, फीमेल के लिए 36 पोस्ट और LDCE डिपार्टमेंटल के लिए 63 पोस्ट रहती है, तो टोटल यहां पर 418 पोस्ट आपकी यहां पर रहेगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। ये फ्रेंड्स वैकेंसीज की डिटेल है जो कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपसे कहा गया है कि जो कैंडिडेट है उनको फ्रेंड्स प्रेफरेंस देनी होगी ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करते समय ASI स्टेनो या SC मिनिस्ट्रियल या फिर दोनों के लिए। इसमें फ्रेंड्स आप जो प्रेफरेंस देंगे उसके अकॉर्डिंग ही जो मेरिट कम प्रेफरेंस बनेगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको आने पर यहां पर कुछ डिटेल दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं SC ST OBC एक्स सर्विसमैन कैटेगरी अगर आपकी है और आपके पास फ्रेंड्स यहां पर सर्टिफिकेट है तो आपको छूट मिल जाता है। पास आउट होना आपका यहां पर जरूरी रहता है अप्लाई करने के लिए। 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा और ये फ्रेंड्स लास्ट डेट 25/10/2022 को आपका काउंट किया जाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि 26/10/1997 से पहले और 25/10/2004 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं SC ST OBC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं आपको अपर एज में छूट यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स जो स्किल टेस्ट नॉर्म्स है आपके कंप्यूटर पर, इसमें डिक्टेशन आपका 10 मिनट का रहेगा जो कि 80 वर्ड पर मिनट रहता है और ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट इंग्लिश में या फिर 65 मिनट हिंदी में कंप्यूटर पर रहेगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए फ्रेंड्स स्किल टेस्ट होगा इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर या फिर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो हाइट है आपकी वो फ्रेंड्स यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर आपकी रहेगी। अगर आप ST कैंडिडेट है तो आपकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर मेल और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट रहती है। जो चेस क्राइटेरिया है मेल कैंडिडेट के लिए वो 77-82 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर रहेगा और शेड्यूल ट्राइब के लिए फ्रेंड्स 76-81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पर रहता है। चेस फ्रेंड्स फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें फ्रेंड्स आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, 2 घंटे के ड्यूरेशन का आपका पेपर होगा और एक 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और जनरल हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। 2 घंटे का आपका ड्यूरेशन है। इसमें फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ में जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम है वो 12th स्टैंडर्ड का आपका रहेगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपीज रहेगी जो कि जनरल ओबीसी कैंडिडेट को देनी है। अगर आप SC ST फीमेल या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है आपको कोई भी फीस देने की जरूरत यहाँ पर नहीं है।